3, 2, 1 लगा दे आज। सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के एक्सपेरिमेंट में हम लोग इतने सारे माचिस के ऊपर ना ये रखेंगे अपना सीधा हो जा भाई, ये अपना फिश, और इस फिश को ऐसे रख के ना आग लगाने वाले हैं हम लोग, और इस फिश को हम पकाएंगे। तो पहले इसका माचिस का ना हम लोग पैन बना लेते हैं जिसपे इसे फ्राई कर सके। तो चलो भाई इसे खोल के पैन बना लेते हैं, ठीक है। फ्रेम बनाने के लिए हम लोग रबड़ लगाएंगे, ठीक है। ये माचिस तीन पैकेट माचिस को इस तरह से लिया और हमने इसमें इस तरह से देख सकते हो आप रबड़ लगा दिया, और ऐसे ऐसे हम लोग जितने भी माचिस है सबको एक साथ करेंगे 3000 काटी को। तो गाइस यार, यहाँ पे जितने भी माचिस के काटिक हैं उन्हें हमने एक तरह से इस तरह से रबर में बांध दिया, सामने दिखाया उस तरह से सबको एक बार असेंबल कर लिया, और अब हम इसे अच्छे से सजा देते हैं। भाई इसे सजा देते हैं, हम इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देते हैं। नमक छिड़का मतलब छिड़का जा चुका है मछली पे, और इसमें अब हम लोग लगाने वाले हैं। देखते हैं पक्का पता ही नहीं। 3, 2, 1 लगा दिया। तो गाइस यार, ये रहा हमारा फिश, देख सकते हो जिसे हमने पकाया था, और ये देखो इसका सेल उतर रहा ऊपर वाला, और ये पूरी तरह से भाई साहब पक चुका है। तो भाई इसका तो पूरा स्किन ऐसे ही नॉर्मली उतर जा रहा है। तो इतने सारे माचिस के काटी पे ना आप आराम से फिश को पका सकते हो। आई मीन एक्सपेरिमेंट ऐसा घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खतरा है इसमें, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सब एक्सपेरिमेंट अपने घर पर ट्राई मत करें। अब देख सकते हो इतने सारे माचिस के काटी पे अगर एक बार में हम ये मछली जला दें, तो ये देखो भाई जरा इसे हटा के दिखा इसका फ्लैश कैसा है। इसका फ्लैश देख सकते हो पूरी तरह से इसका मीट जो है ना फिश का पक चुका है एकदम ऊपर से नीचे तक, ये देखो। तो गाइस आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो, आई मीन ये एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो, या हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।